हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपका शुगर लेवल कम हो जाए तो आपको क्या खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लो ब्लड शुगर लेवल को कैसे मैनेज करें, इसका सही तरीका क्या है। दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं, लो ब्लड शुगर भी हाई ब्लड शुगर जितनी ही गंभीर परेशानी है। और आप समझिए कि हमारा शरीर खाने को ग्लूकोज में बदलकर शरीर में एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन जब शरीर में इसी ग्लूकोज की कमी हो जाए तो शरीर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, यानी शरीर के पास एनर्जी नहीं है तो वो काम कहाँ से करेगा। तो दोस्तों, ग्लूकोज के कम होने की यही स्थिति कहीं ना कहीं लो ब्लड शुगर कहलाती है। मैं आपको बताऊं कि ये समस्या डायबिटीज़ के मरीजों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है और वो इसे कम करने के लिए लगातार कोई ना कोई दवाइयाँ खाते हैं। और इन्हीं दवाइयों से कभी कभी ब्लड शुगर ज़्यादा कम हो जाती है और हम लो ब्लड शुगर की स्थिति में पहुँच जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अचानक घबराहट होना, चक्कर आना, सिरदर्द होना, या फिर नींद ना आना, ज़्यादा भूख लगना, या फिर कमजोरी महसूस होना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला काम है दोस्तों कि ग्लूकोज की गोलियां खाइए। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज की गोलियां आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं, मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। और जैसे ही आपको महसूस हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है, यानी लो ब्लड शुगर के लक्षण दिखाई दें, वैसे ही आप इन गोलियों को खा लीजिए। ये आपको बहुत फायदा करेंगी। आप समझिए दोस्तों कि शुगर को बैलेंस करने के लिए 15 से 20 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और आपको एक बार में इतनी ग्लूकोज की मात्रा खाने के बाद 10 से 15 मिनट का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतना समय लगता है ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज होने में। इसके अलावा दोस्तों, आप ताजे फल या ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ब्लड शुगर लेवल में अचानक आई गिरावट से बचने के लिए आप ताजे फल खाइए या फिर ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए। ऐसे में आप कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फल जैसे कि केला, अंगूर, सेब, संतरा खा सकते हैं। और साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जिसमें 2 बड़े चम्मच किशमिश खा लीजिए, शुगर लेवल तुरंत नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर एक और फूड आइटम है दोस्तों कि आप फैट फ्री दूध पीजिए। मैं आपको बताऊं कि 1 कप गर्म दूध पीना आपके लिए ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी आप दूध पिए तो वो फैट फ्री होना चाहिए, यानी उसमें फैट ना हो, और उसमें विटामिन डी और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपको फायदा करेंगे। दोस्तों, आप समझिए कि ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के अलावा दूध के आपको और भी फायदे मिलेंगे। फिर एक और तरीका है दोस्तों कि आप जूस पी लीजिए। मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ के मरीजों को वैसे तो जूस पीने से मना किया जाता है, क्योंकि ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है जूस। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल कम है तो ताजे फलों से बना हुआ जूस आपकी ब्लड शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा सकता है। ऐसे में आप सेब, संतरा, अनानास का जूस पी सकते हैं, यह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। फिर एक और बात है दोस्तों कि अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर की स्थिति से जूझ रहे हैं, रोजाना ऐसा हो जाता है, तो आप अपनी जेब में 2-4 कैंडी रखिए, टॉफियां रखिए, और जैसे ही आपको ऐसा लक्षण दिखाई दे तुरंत आप 1-2 टॉफियां खा लीजिए। ये भी आपको ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करती है। आप समझिए दोस्तों कि अगर आपको लो ब्लड शुगर की समस्या होती है तो टॉफियां यानी कैंडी खाना आपके लिए सबसे साधारण तरीका है, तो ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।